दोस्तों, चांद पर पहली बार कदम रखने वाले इंसान ने कहा था कि इंसानियत के लिए ये एक छोटा कदम पूरी मानव जाति के लिए बड़ी छलांग साबित होगा। दोस्तों, 21 जुलाई 1969 की तारीख थी और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद 5 और अमेरिकी अभियान चांद पर भेजे गए। दोस्तों, 1972 में चांद पर पहुंचने वाले यूजिन सेरनन आखिरी अंतरिक्ष यात्री थे। इसके बाद अब तक कोई भी चांद पर नहीं गया है। दोस्तों, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अमेरिका या किसी और देश ने करीब आधी सदी तक चांद पर किसी अंतरिक्ष यात्री को क्यों नहीं भेजा। दोस्तों, चांद पर किसी इंसान को भेजना एक महंगा सौदा है। चांद पर किसी इंसान को भेजने में काफी खर्च आता था, जबकि इसका वैज्ञानिक फायदा कम होता है। दोस्तों, 2004 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति W. जॉर्ज बुश ने चांद पर मिशन भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। इसमें करीब 104,000 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमानित बजट बनाया गया था, लेकिन भारी भरकम बजट के चलते उस वक्त भी ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। दोस्तों, अगर मैं 2021 की बात करूं तो नासा 2024 तक आर्टेमिस मिशन को चांद की सतह पर भेजने वाला है। तो क्या है यह आर्टेमिस मिशन, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, इस मिशन की खास बात यह है कि इस मिशन के चलते पृथ्वी की सबसे पहली महिला को चांद की सतह पर उतारा जाएगा। आर्टेमिस मिशन का मकसद चांद की सतह पर वैज्ञानिक खोजों को करना होगा। दोस्तों, इसके अलावा आने वाली जनरेशन के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए मार्ग खुलेंगे। दोस्तों, इस मिशन को लेकर नासा ही नहीं बल्कि देश दुनिया के तमाम स्पेस एजेंसियां काफी उत्साहित दिख रही है। दोस्तों, इस मिशन की खास बात यह है कि नासा के एस्ट्रोनॉट केवल चांद पर चंद घंटे नहीं गुजारकर लंबे समय तक वहां पर लूनर बेस बनाकर रहने वाले हैं। दोस्तों, नासा का प्लान है कि वो चांद पर सतह पर माइनिंग भी करेंगे। आपको बता दे कि चांद पर प्लेटिनियम, सिलिकॉन, आयरन, टाइटेनियम, एमोनिया आदि जैसे कई बेस कीमती खनिज पदार्थ मौजूद है, लेकिन इनकी माइनिंग करना इतना आसान काम नहीं होगा। चांद पर पृथ्वी के मुकाबले ग्रेविटी 6 गुना कमजोर है। ऐसे में एस्ट्रोनॉट को खनिज पदार्थों की माइनिंग करने के लिए विशेष प्रकार के उपकरणों को अपने साथ ले जाना होगा। इसे देखते हुए दूसरे देशों की स्पेस एजेंसियां भी चांद पर जाने के लिए अपने मिशन की योजना बना रही है। दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि आर्टेमिस एक ग्रीक देवी का नाम है। इस मिशन के अंतर्गत चांद की सतह पर पहली महिला को लैंड कराया जाएगा। इसकी वजह से इस मिशन का नाम आर्टेमिस रखा गया है। और अपोलो एक ग्रीक देवी का नाम था। इस कारण 70 के दशक के बीच नासा ने जितने मिशन चांद पर उतारे थे उसमें कोई भी महिला शामिल नहीं थी, लेकिन आर्टेमिस मिशन में महिलाओं के साथ पुरुष एस्ट्रोनॉट भी होंगे। अब दोस्तों, देखना यह है कि आर्टेमिस मिशन काम करता है या नहीं, क्या 2004 की तरह ये भी मिशन फेल हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो राजे वाला फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।